तो चलिए जी, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट मैकेनिक्स। तो गाइस सर, आज की इस वीडियो में मैं आपको PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड काफी सारी लेटेस्ट अपडेट्स बताने वाला हूं जो कि भाई निकल करके आई, और आज तो भाई काफी सारी ऑफिशियल न्यूज भी है आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में एक गुड न्यूज भी मैं आपको देने वाला हूं PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड, और जो भी न्यूज मैं कवर करूंगा उसका ऑफिशियल लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाकर भाई चेक कर लेना। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई जरूर से सब्सक्राइब करना, एंड नोटिफिकेशंस को क्लिक करके बगल में एक कॉल का ऑप्शन होता है उसको भी सिलेक्ट कर लेना मेरे भाई। तो चलिए बात करते हैं आज की अपनी पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि निकल के आ रहा है अनुज टंडन की तरफ से। तो आप सभी को पता होगा अनुज टंडन कौन है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। तो रिसेंटली अभी उन्होंने जो वो क्राफ्टन को ज्वाइन किया है एज ए दोस्तों रीजनल हेड फॉर मीना इन इंडिया, एंड यहां पर दोस्तों उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट डाला, और इससे दोस्तों क्लियरली पता चलता है कि पबजी कॉर्पोरेशन जो है वो अभी भी इंडिया के अंदर जो वो हायरिंग कर रही है। और अब आप लोग के माइंड में एक ही सवाल आएगा, भाई हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो गेम चाहिए। तो भाई ये गेम के लिए ही इंपॉर्टेंट दोस्तों काम यहां पर किया जा रहा है। तो यहां पर बेसिकली जो पोस्ट निकाला गया है वो दोस्तों इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटजी एनालिस्ट का ये पोस्ट है, अगर आप चाहो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी काफी सारी चीजें दोस्तों यहां पर लिखी गई है, जेम्स वायर का पोस्ट है, अगर आपको पढ़ना है दोस्तों काफी सारी चीजें लिखी गई है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो अगर आपको इस पोस्ट में अगर आप एप्लीकेबल होते हो, अगर आपके लिए सही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों कर रहा है, और यहां पर दोस्तों जो है वो लोगों के लिए एक तरीके से इनडायरेक्टली आप देखोगे तो भाई ये रोजगार मतलब जो है वो ला रहे हैं, मतलब आप देखो कि भाई लोग अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया में जो भी भाई मतलब जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको हो सकता है कि यहां पर ये सारे जो वो जॉब दिया जाए। तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन हमें तो भैया गेम चाहिए। तो देखो ये सारी चीजें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भाई गेम के लिए ही करी जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आना बाकी है। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करना। फिलहाल दोस्तों यहां पर चलते हैं भाई MeeTY की तरफ। तो यहां पर दोस्तों एक बंदे ने यहां पर RTI फाइल किया था, जिसमें उन्होंने दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट से सवाल पूछे थे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कि भाई पबजी मोबाइल इंडिया को आप लोग क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो, जबकि भाई आप लोगों को पता है कि उसका जो चाइना से सारा कनेक्शन भी जो वो टूट चुका है, उसका डेटा प्राइवेसी का भी इशू नहीं है, ऑल्सो यहां पर जब गेम आएगा तो इंडिया में जो वो काफी सारे लोगों को जॉब वगैरह भी मिलेगा, और इन्होंने अपना कंपनी भी डेवलप कर लिया जिसका ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में है। तो इस बहुत सारा इसमें आपको सवाल दीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो यहां पर दोस्तों जो है वो यहां पर जो है वो रिप्लाई आ चुका है इस जो है वो RTI, आप सभी को पता है क्या होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहां पर बेसिकली यहां पर लिखा गया है, अगर आप इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो भाई इसमें लिखा गया है कि ये जो गेम का जो परमिशन होता है, मतलब गेम को जो अलाउ करने का परमिशन होता है, उसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी रोल नहीं होता है। मतलब ऐप को परमिशन का जो ग्रांट होता है, मतलब ऐप परमिशन का जो ग्रांटिंग होता है, इसमें MeeTY का कोई भी रोल नहीं होता। और उन्होंने ये भी बोला कि हम जो है दोस्तों जो है अपने यूजर्स की सेफ्टी के लिए किसी भी ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं। जी हाँ, और यहां पर वो जो है वो मतलब जो है वो चिल्ड्रंस और इंडियन यूजर्स की जो है वो सेफ्टी को इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड अगर उनको लगता है कि भाई कोई भी ऐप जो है वो हमारे इन सारे रूल्स को ब्रेक कर रहा है तो उनके पास ये पावर है कि वो जो है वो उस पर्टिकुलर ऐप को जो है वो ब्लॉक कर सकते। फिलहाल दोस्तों ये रिप्लाई आया है, और इसमें एक बात दोस्तों प्रीवियसली भी पूछी गई थी तो उसमें यही रिप्लाई आया था कि यहां पर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो ऐप को दोस्तों परमिशन दिलाने में कोई भी हाथ नहीं होता है। एनीवेज आपका दोस्तों इसके ऊपर क्या कहना है, क्या है आपका इसके ऊपर ओपिनियन, आप मेरे को कॉमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि निकल कर रहा है भाई PUBG मोबाइल इंडिया के एक गुड न्यूज को लेकर। तो भाई यहाँ पर YouTube पर एक चैनल है जिसका नाम है Delta28। तो यहाँ पर दोस्तों कल इनकी वीडियो का लिंक जो है वो मेरे को काफी सारे लोगों ने भेजा, तो जब मैंने इनकी वीडियोस को देखा तो यहाँ पर ये जो है वो कुछ वीडियोज अपलोड करते हैं PUBG मोबाइल इंडिया के बारे में जो काफी सही और लेजिट होती है। तो जब मैंने इनकी वीडियोज को देखा तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर 20 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है, और अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो 99% चांस है कि PUBG मोबाइल इंडिया जो वो इंडिया के अंदर जो मार्च के महीने में ही लॉन्च हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन यहां पर दोस्तों मुझे नहीं पता कि इनका यहां पर सोर्स क्या है, लेकिन दोस्तों ये बता रहे हैं इस तरीके से। तो अगर आपको इनकी वीडियो को देखना है तो भाई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ऑल्सो दोस्तों यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, कुछ लोगों के कॉमेंट्स देख रहा हूं, कुछ ही लोगों के, ज्यादा नहीं, जो कि भाई कॉमेंट्स करते हैं कि आपने भाई इस यूट्यूबर का न्यूज कॉपी किया, आपने भाई उस यूट्यूबर का न्यूज कॉपी किया। तो भाई आप लोग मेरे चैनल की हिस्ट्री उठा के देख लो कि मैंने भाई अगर किसी भी यूट्यूबर का न्यूज लिया है या फिर
उसका वीडियो फुटेज यूज किया है, तो भाई मैंने उस बंदे को फुल क्रेडिट दिया है। अगर अब मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो न्यू नए सब्सक्राइबर है भाई जो मेरे को जानते ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने न्यूज़ जो वो कॉपी कर ली और उनको क्रेडिट नहीं दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। आप डिस्क्रिप्शन को चेक किया करो भाई, डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं चेक करते हो? मैंने भाई प्रॉपर क्रेडिट दिया करता हूं। तो भाई जो भी लोग ऐसे कमेंट्स करते हो तो भाई ऐसा कमेंट्स मत किया करो, और मैं क्या ही बताऊंगा, इस तरीके से भाई हेट स्प्रेड होता है बेमतलब का। मेरे को यार किसी से कोई भी हेट नहीं है, मेरे को क्या लेना देना। इस बंदे ने भाई न्यूज़ दिया था जो कि मेरे को सही लगा, लेजिट लगा, तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया न्यूज़ को। बाकी आपको इसको किस तरीके से लेना है वो आप पर डिपेंड करता है। आपको अगर इनका वीडियो देखना है तो भाई मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। फिलहाल इनका कहना है कि भाई मार्च तक जो है वो गेम 99% आ जाएगा। लेट्स होप कि भाई आ जाए तो काफी अच्छी बात होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, एंड हेट स्प्रेड मत करो यार। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूं किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।